नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मैंने अभी तक दो टॉपिक को खत्म कर चुका था। फर्स्ट टॉपिक था अल्फा न्यूमेरिक सामलिंग सीरीज एंड सेकंड टॉपिक है इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। दोनों में जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने उन सभी कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्कस किया था। तो जो भी स्टूडेंट उन टॉपिक्स को नहीं देखे हैं सबसे पहले उन टॉपिक्स को देखें फिर इस वीडियो पे आए। मैंने उन टॉपिक्स के साथ साथ मैंने कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करवाए थे दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड, जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। और अब जो मैं करवा रहा हूँ वो है मिक्स क्वेश्चन, जो कि दोनों टॉपिक से यहाँ पे लिया गया है। तो मिक्स क्वेश्चन का कुछ पार्ट्स भी आ चुके हैं, उन पार्ट्स को भी देखे, उसमें भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैंने कुछ करवाए थे, एग्जामिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस तो कुछ करवाए थे। तो सबसे पहले उन पार्ट्स को देखें फिर इस वीडियो पे आए। मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं आगे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो कि प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या फिर बेस्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे कुछ अल्फाबेट का अरेंजमेंट दिया गया है, इंग्लिश अल्फाबेट का कुछ अरेंजमेंट दिया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अरेंजमेंट क्या है कि जी एम आई ए एन एच के टी वी एक्स ओ क्यू बी ई एक्स वाई यू ओ ए सी जेड डी डब्ल्यू एस आर एफ, ये अरेंजमेंट दिया गया है। और इसी अरेंजमेंट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द सीरीज, इस सीरीज में कितने ऐसे अल्फाबेट हैं कि विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवेल एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट। मतलब कि ऐसे कितने अल्फाबेट हैं, अगर मैं यहां पे समझाना चाहूं तो ये अल्फाबेट है अल्फाबेट और इमीडिएटली फॉलोड, यहां पे जो आएगा अल्फाबेट के तुरंत बाद वो क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। और इसके पहले जो भी तुरंत पहले इमीडिएटली प्रीसीडेड वो क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब हम यहां पे देखते हैं कि कितने ऐसे अल्फाबेट है। अगर हम यहां पे चेक करें इस सीरीज को तो यहां पे अगर यम की बात करते हैं जी एम आई, यम के बाद क्या है, आई है जो कि एक वोवेल है, वोवेल ही होना चाहिए, और उसके पहले जी है जो कि कॉन्सोनेंट है, मतलब कि एक यहां पे मिलेगा। नेक्स्ट है यहां पे इसके बाद ए नहीं होगा, एन भी नहीं है, एच भी नहीं है। इसके बाद यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या है यहां पे एक्स, एक्स के बाद क्या है वोवेल और एक्स के पहले क्या है यहां पे कॉन्सोनेंट है, तो सेकेंड नंबर यहां पे मिला। नेक्स्ट की बात करते हैं यहां पे तो इसके बाद यहां पे हो जाएगा ये क्यू बी ई, बी के बाद क्या है वोवेल और बी के पहले क्या है कॉन्सोनेंट है क्यू, तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे वाई हो जाएगा, है ना, एक्स वाई यू, वाई के बाद क्या है यहां पे वोवेल है और वाई के पहले क्या है यहां पे कॉन्सोनेंट है, तो यहां पे हो गया फोर। इसके बाद यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, और ए भी नहीं होगा, है ना, ओ भी नहीं होगा क्योंकि ओ के बाद तो वोवेल है लेकिन उसके पहले भी वोवेल है जो कि कॉन्सोनेंट होना चाहिए। इसके बाद यहां पे कोई नहीं है, तो ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिसके बाद वोवेल तुरंत बाद, है ना, इमीडिएटली फॉलोड वोवेल और इमीडिएटली प्रीसीडेड कॉन्सोनेंट, तो वन टू थ्री फोर, ऐसे फोर अल्फाबेट्स हैं जिसके बाद वोवेल है और उसके तुरंत पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इफ ऑल वोवेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीरीज, अगर इस सीरीज से जितने भी वोवेल हैं सभी को रिमूव कर दिया जाए तो देन विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी टेंथ टू द लेफ्ट ऑफ सिक्सटीन्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। इसमें यह कह रहा है कि जब हम सभी वोवेल को हटा दें इस सीरीज से, इस अरेंजमेंट से सभी वोवेल को अगर हटा दें यहां पे, तब ये पूछ रहा है कि कौन सा होगा टेंथ फ्रॉम लेफ्ट और किसके लेफ्ट कर रहा है सिक्सटीन्थ फ्रॉम द लेफ्ट। इसको बनाने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले जो प्रोसेस कह रहा है यहाँ पे उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, मतलब वोवेल को हटाएंगे। वोवेल को हटाने के बाद यहाँ पे डायरेक्शन क्या दिया गया है, सेम दिया गया है लेफ्ट एंड लेफ्ट। जब सेम डायरेक्शन होता है त
तब हम दोनों के पोजीशन को माइनस करते हैं, कहां से ये 16th एंड 10th दोनों को माइनस कर देंगे और रिजल्ट क्या आएगा 6 आएगा, और 6 कहां से लेंगे लेफ्ट हैंड से ले लेंगे और वही आंसर हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन डिफरेंट रहता, अगर मान लेते राइट रहता कहीं एक प्लेस पे, तब हम क्या करते सम कर देते, है ना, क्योंकि उसमें जब हम राइट हैंड से चलेंगे और फिर यहां पे अगर लेफ्ट दिया गया, अगर यहां पे राइट रहता राइट हैंड, तब तो राइट हैंड से इधर काउंट करते 16 एंड 16 पे जो भी आता इसके बाद 16 के लेफ्ट फिर हम इधर बढ़ते, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा था इसलिए वहां पे ऐड कर देते। लेकिन यहां पे क्या है डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम दिया गया है इसलिए हम दोनों के पोजिशन को माइनस करेंगे। अब सबसे पहले माइनस प्लस करने से पहले जो भी होगा यहाँ पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे वोवेल को हम यहाँ पे रिमूव करेंगे, जितने भी वोवेल हैं। अगर हम वोवेल के रिमूव करना चाहे तो कौन कौन से वोवेल हैं जिसे हम रिमूव किया जा सकते हैं यहाँ पे, तो एक तो आई हो गया, ए है, इसके बाद क्या है यहाँ पे ओ है, और ओ के बाद ई हो गया, ई के बाद यू, और यू के बाद ओ, ओ के बाद ए, सभी वोवेल अब क्या हो गए रिमूव हो चुके हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि जो 16th पोजीशन है, जो 16th पोजीशन है और 10th पोजीशन दोनों को माइनस कर देंगे और रिजल्ट क्या आया 6th आया, और 6th पोजीशन आया है ये, और 6th पोजीशन कहां से लेंगे फ्रॉम लेफ्ट एंड से लेंगे, फ्रॉम लेफ्ट। इन चीजों को मैंने डिटेल से डिस्कस किया था अल्फान्यूमेरिक सैम्पलिंग सीरीज में, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले उन पार्ट्स को देखें कि किस तरह से यहाँ पे माइनस और प्लस किया जा रहा है, फिर क्वेश्चन वाले पार्ट्स पे आए। यहाँ पे 16th पोजीशन और कहां से लेना है लेफ्ट से। अब यहाँ पे हम काउंट करते हैं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, क्या आया टी आया, है ना, तो क्या आंसर हो गया टी हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगर इस तरह से नहीं करना चाहते तो इधर से भी काउंट करें, लेकिन इधर से जब हम काउंट करेंगे तो हमें टू टाइम्स काउंट करना होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन यहां पे फ्रॉम लेफ्ट एंड है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, सिक्सटीन पे क्या आया यस आया है, है ना, और इसके टेंथ लेफ्ट चलना है, तो फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन, मिस्टेक हो गया क्या, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, सॉरी टी को मैंने छोड़ रहा था, एक तो यहां पे टी हो गया आंसर, है ना, इधर से जब हम इसके पोजीशन को हम काउंट कर रहे थे फ्रॉम लेफ्ट, एंड सेकेंड क्या करना है कि हमें एक तो वो सेकेंड मेथड जो मैं बता रहा हूँ लॉन्ग मेथड है, आप लोग इस मेथड को अप्लाई करें जल्दी यहाँ पे आंसर होगा, वैसे वो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, सिक्सटीन पोजीशन पे क्या है W है, सिक्सटीन पोजीशन पे W है और W के टेंथ लेफ्ट चलेंगे, तो जिस पोजीशन से कह रहा है लेफ्ट उस पोजीशन को हम इग्नोर करेंगे, मीन्स W है सिक्स पोजीशन पे W को इग्नोर करेंगे, इसके लेफ्ट से हम काउंट करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन टेन, इस तरह से भी क्या आया टी आया, तो दो बार काउंट करने से अच्छा है कि इस मेथड को अपनाएं, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी से, तो देखते हैं कि इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी से जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो किस तरह से पूछे गए हैं यहां पर। मैंने
लगभग क्वेश्चन जितने भी टाइप्स के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, मैंने कोशिश किया है कि उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया जाए। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पे कि स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पे कि जेड नॉट इज इक्वल्स टू पी, पी इज इक्वल्स टू डी, डी ग्रेटर देन ओ और लेस देन पी एंड पी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू आर, ये कह रहा है यहाँ पे। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। कंक्लूजन ये कह रहा है, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जेड ग्रेटर देन डी। सेकेंड नंबर कह रहा है यहाँ पे कि जेड लेस देन डी। एंड कंक्लूजन नंबर थर्ड कह रहा है यहाँ पे कि पी ग्रेटर देन ओ। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कंक्लूजन को देखते हैं। तो जेड ग्रेटर देन डी, जेड और डी के बीच में रिलेशन को देखें तो क्या यहाँ पे जेड पी डी और जेड और पी के बीच में नॉट इज इक्वल्स टू और पी और डी के बीच में इज इक्वल्स टू। अब नॉट इज इक्वल्स टू का मतलब क्या है, जब बराबर नहीं हो रहा है तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। मतलब जेड ग्रेटर देन पी भी हो सकता है और जेड लेस देन पी भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो क्या फर्स्ट दे रखा है जेड ग्रेटर देन डी, यहाँ पे तो जेड बड़ा हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटा भी हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो जेड लेस देन पी, यहाँ पे जेड क्या है पी से छोटा हो रहा है लेकिन यहाँ पे जेड क्या हो रहा है पी से बड़ा हो रहा है, मतलब ये भी पार्सली रॉन्ग है। थर्ड नंबर है यहाँ पे पी ग्रेटर देन ओ, यहाँ पे पी और ओ के बीच में रिलेशन को देखे तो क्या दिया गया है कि पी है यहाँ पे जो ओ से क्या है बड़ा है, मतलब ये कंप्लीटली राइट है। अब अगर इसका आंसर लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन को देखें तो दोनों नेम सेम है, दोनों के बीच में डिफरेंट साइन भी यूज किया गया है और दोनों पार्शियली रॉन्ग भी है। मतलब कि यहां पे लिख सकते हैं कि इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, ये लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ूं यहाँ पे तो थर्ड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर यहाँ पे बढ़े तो देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है और वो स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ए लेस देन इज इक्वल्स टू बी, और इसके बाद यहाँ पे कि बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एफ, एफ लेस देन इज इक्वल्स टू एच, और इसके बाद है एफ इज इक्वल्स टू ओ, ओ लेस देन इज इक्वल्स टू सी, ये दिया गया है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे कि ए इज इक्वल्स टू एफ, एंड कंक्लूजन नंबर सेकंड है यहाँ पे एच इज इक्वल्स टू ओ, एंड कंक्लूजन नंबर थर्ड है यहाँ पे कि ओ लेस देन एच, ये दिया गया। अब जो पार्ट्स वाइज दिए गए हैं सबसे पहले इसे आपस में क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे ए लेस देन इज इक्वल्स टू बी, बी से आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे तो बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एफ, एफ लेस देन इज इक्वल्स टू एच, इसके बाद है यहाँ पे एफ इज इक्वल्स टू ओ, ओ लेस देन इज इक्वल्स टू सी, ये दिया गया है यहाँ पे। अब ये स्टेटमेंट अब कंप्लीट हो चुका है, अब हम कंक्लूजन को देखते हैं। तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट कह रहा है ए इज इक्वल्स टू एफ, यहाँ पे ए और एफ के बीच में रिलेशन को देखे तो क्या बराबर हो रहा है, लेकिन बराबर हो रहा है लेकिन यहाँ पे ए और एफ के बीच में बराबर के साथ साथ हम ये कंफर्म नहीं है कि ये ए बड़ा भी होगा या छोटा भी होगा, मतलब ये क्या होगा पार्शली रॉन्ग होगा। नेक्स्ट एच इज इक्वल्स टू ओ, यहाँ पे एच और ओ के बीच में देखें यहाँ पे तो क्या है, इस तरह से लिख सकते हैं कि एच ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एफ, एफ इज इक्वल्स टू ओ, यहाँ पे है जो एच बराबर भी हो रहा है और एच बराबर भी हो रहा है ऐसे, है ना, मतलब ये क्या है पार्शली रॉन्ग है। एच ओ लेस देन एच, यहाँ पे ओ क्या हो रहा है छोटा हो रहा है एच से लेकिन यहाँ पे बराबर भी हो रहा है, मतलब ये भी पार्शली रॉन्ग है। अब इसका आंसर लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, अगर हम कंक्लूजन सेकंड और थर्ड को देखें यहाँ पे तो दोनों नेम सेम है, ऑर्डर पे मत जाना, ऑर्डर नॉट डिपेंड है यहाँ पे।
नेम सेम होना चाहिए, दोनों का नेम क्या है यहाँ पे सेम है और दोनों के बीच में क्या है यहाँ पे डिफरेंट साइन का यूज किया गया और दोनों पार्सली रॉन्ग है। मतलब यहाँ पे अगर लिखना रहेगा आंसर तो लिख सकते हैं यहाँ पे इधर कंक्लूजन, इधर कंक्लूजन सेकेंड और थर्ड इज ट्रू, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जाने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल सौरव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल सौरव क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी डाउट्स होते हैं टॉपिक्स रिलेटेड उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय।